नमस्ते गुरुजी, जय गुरुजी महाराज, जय गुरुजी साध संगत जी। शुक्राना गुरुजी महाराज का मल्टीलिंगुअल जूम प्लेटफॉर्म समस्त गुरु परिवार का बहुत बहुत स्वागत करता है। आज हमारे बीच में ब्लेस दिवा ब्लेस संगत शबनम मल्होत्रा आंटी उपस्थित हैं, जो कि संगत करेंगी। Over to you, शबनम मल्होत्रा आंटी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय गुरु जी। हेलो, जय गुरुजी। शबनम आंटी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय गुरुजी अंकल, जय गुरुजी साथ संगत जी। अंकल आपकी आवाज, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी आंटी, यू आर ऑडिबल। जय गुरुजी आंटी, जय गुरुजी। आज का शुक्राना गुरुजी वचन है, मेरे पास इतनी शक्ति है कि मैं सूरज को भी अपने अनुसार चला सकता हूँ। आंटी, हाँ जी अंकल, तो पर 2 मिनट के लिए नरेट करके प्लीज अपनी संगत शेयर करें। जय गुरुजी। हाँ जी, जय गुरुजी। गुरुजी को मेरा प्रणाम, गुरुजी की संगत को मेरा प्रणाम। मेरे पास इतनी शक्ति है कि मैं सूरज को भी अपने अनुसार चला सकता हूँ। ये गुरु महाराज के वर्ड्स हैं, और मेरी इतनी औकात नहीं है सात संगत जी कि मैं गुरु महाराज के वर्ड्स को एक्सप्लेन कर सकूं। हमारे गुरु महाराज तो महाशिव हैं, सदाशिव हैं, सारे ब्रह्मांड के मालिक हैं, तीनों लोकों के स्वामी हैं। तो सूरज को तो गुरु जी अपने अनुसार चला ही सकते हैं, क्योंकि सारा ब्रह्मांड गुरु जी चलाते हैं। इस ब्रह्मांड में जितनी पृथ्वी, जितने सूरज, जितने चंद्रमा, सब हमारे गुरु महाराज के हुक्म से ही चलते हैं, मेरा ऐसा मानना है। थैंक यू गुरु जी मुझे आज का ये मौका देने के लिए, सत्संग करने का। बहुत 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 धन्यवाद गुरु महाराज आपका। सुरेश वासन अंकल आपका भी बहुत थैंक यू, क्योंकि पता नहीं आपने मेरा नंबर कहाँ से लिया, मुझे नहीं पता। मैं तो आपको जानती नहीं हूँ, ये आपको ही पता है कि आपने कहाँ से मेरा नंबर लिया है। इसलिए आपका भी बहुत धन्यवाद और संगत का भी बहुत धन्यवाद। तो मैं आज अपनी गुरुजी के साथ जो मेरी जर्नी है वो स्टार्ट करती हूँ। सात संगत जी, गुरुजी के पास हमारा आना 2003 में हुआ। मेरी सिस्टर है उषा भाटिया आंटी, वो गुरुजी के पास जाती थी, तो वो मुझे फोन पे बताती रहती थी गुरुजी के बारे में। और बहुत सुन के मुझे तो बहुत ही अजीब लगता था, और आप विश्वास कीजिए संगत जी कि मैं और मेरे हस्बैंड बहुत मजाक बनाते थे। गुरु महाराज हमें माफ करें, क्योंकि हमने बहुत ज्यादा गलती करी हुई है इस चीज में, क्योंकि जब इंसान को समझ नहीं होती तो ऐसे ही रिएक्ट करता है। तो लेकिन मासी की बातें सुन के मेरा बड़ा बेटा गुरुजी के पास जाने लगा। उस समय हम लोग दिल्ली में जनकपुरी में रहते थे। वो जनकपुरी से मासी के पास DLF आता था, और वहां से एम्पायर स्टेट आ जाना और देन वापस आना। तो वो बच्चा मुझे कहता था कि मम्मी आप प्लीज एक बार चल के देखो, वहां पर बहुत अच्छा है। लेकिन मैं उसको हमेशा यही कहती थी कि बेटा वहां पर लेट नाइट होता है, और जब तक पापा नहीं इस चीज के लिए मानेंगे तो मैं नहीं जा सकती, क्योंकि हम लोगों के संस्कार ऐसे हैं कि लेट नाइट में अकेले घर में घुसूं तो मुझे अच्छा नहीं लगा। तो ऐसे चलता रहा, और वो बच्चा मासी के साथ जाता रहा। एक दिन एम्पायर स्टेट में उसको गुरुजी का रूप मिला, फ्रेम करा हुआ, जो उस समय ये बहुत बड़ी चीज थी। और हमें कुछ समझ नहीं थी कि ये क्या है, कि भाई उस बच्चे ने आके वो मुझे स्वरूप दिखाया कि मम्मी ये देखो गुरुजी का स्वरूप है, आज मुझे मंदिर से मिला है। और मैंने उसको बहुत ही ऐसे बोल दिया कि मैंने कहा कि कोई बात नहीं, ये स्वरूप तो मैंने मासी के घर देखे हुए हैं गुरुजी के, तो आप इसको अलमारी में ही रख दो। सत्संग जी, मुझे कुछ वैल्यू नहीं पता थी कि गुरु महाराज घर में आए हैं,
वो हमें अपनी तरफ खींच रहे हैं और मुझे इस चीज का बिल्कुल भी कोई अंदाजा नहीं था। ऐसे ही चलता रहा। फिर एक दिन मेरी सिस्टर की बेटी का बर्थडे आया तो हमने उसको विश करने के लिए सुबह फोन किया तो मेरी सिस्टर कहने लगी कि आ जाओ शाम को डिनर साथ ही करते हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है हम लोग शाम को आते हैं। तो हम लोग जब शाम को गुड़गांव पहुंचे तो हमने देखा कि ये तो मंदिर जाने के लिए तैयार है, बड़े मंदिर जा रहे थे। तो मैंने उसको बोला कि भाई हम लोग तो मंदिर जाते नहीं है, तुम लोगों ने डिनर पे बुलाया, आप कह रहे हो कि मंदिर जाना है। कहते नहीं मंदिर जाएंगे, ऑन द वे डिनर करेंगे। अब देखो कैसे गुरुजी का वो था कि अब उनके घर जाके और हम घर वापस आते तो उससे हमें लगा कि चलो कोई बात नहीं हम भी मंदिर चलते हैं। तो ऐसे हम लोग गुरुजी के पहले बड़े मंदिर गए और वहां पर हमें सिंगला अंकल और कक्कड़ अंकल मिले। तब तो मैं किसी को जानती भी नहीं थी। उन्होंने वहां सत्संग किया और हमें सत्संग बहुत अच्छा लगा, मंदिर बहुत अच्छा लगा, यूनिक टेम्पल इन द वर्ल्ड, तो बहुत ही अच्छी और बहुत ही अच्छी वाइब्रेशन, बहुत ही अच्छा लगा। बस उसके बाद ही फिर हमारा माइंड सेट हो गया और हम 10-12 दिन बाद एम्पायर स्टेट भाटी आंटी के साथ गुरु जी के सामने पहुंचे। और जब हम फर्स्ट डे गए तो हमें बहुत ही अच्छा लगा। सत्संग जी एक चीज मैं यहाँ और बताना चाहती हूँ कि हम में से किसी की भी औकात ऐसी नहीं है कि हम भगवान के दर्शन कर सकें। ये गुरु जी की मेहर है, ये गुरु जी की रहमत है, ये गुरु जी की कृपा है कि जिन्होंने हमें अपने पास बुलाया और खींच के अपने पास बुलाया। गुरु जी ने मुझे ये चीज बोली कि तेनों ते मैं खींच के अपने को ले आया। एक दिन गुरु जी ने मुझे ये बोला, ये भी एक अलग सत्संग है। तो गुरु जी की मेहर से हमने उनके दर्शन किए, उनकी कृपा से हमने उनके दर्शन किए। तो हमें फर्स्ट डे बहुत ही अच्छा लगा वहां पर और गुरु जी ने बात भी करी, बहुत ही अच्छा लगा। और वहाँ का एटमॉस्फेयर तो मैं वर्ड्स में कुछ बता ही नहीं सकती क्योंकि तो मुझे लगता है कि स्वर्ग तो शायद हम लोगों ने देखा नहीं, पर वो फीलिंग ऐसी थी कि स्वर्ग से भी बढ़कर, बहुत ही आनंद आया। अब मुझे ये लगा कि हम वापस दिल्ली चले जाएंगे तो शायद मेरे अंकल मुझे कल लेके नहीं आएंगे और मेरा दूसरे दिन जाने का बहुत मन था। तो हम सिस्टर के घर ही रुक गए। तो वहीं से हम लोग नेक्स्ट डे गुरुजी के पास गए और जब गुरुजी से हम लोग आज्ञा लेने लगे तो मेरे अंकल आगे थे और मैं पीछे थी। तो अंकल आज्ञा लेके एम्पायर स्टेट में से साइड में खड़े हो गए स्टेयर्स के पास और मैंने गुरुजी से आज्ञा लेके मैं जैसे ही आने लगी तो गुरुजी ने मेरे नाम से बुलाया मुझे, कहने शब्दम आंटी इत्थे आ। मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। कहते हैं तेरा 31 सेक्टर गुड़गांव विच प्लॉट हैगा। सत्संगत आप विश्वास करें मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि वो 31 सेक्टर है, हम लोगों ने 5-6 साल पहले लेके रखा हुआ था जस्ट फॉर इन्वेस्टमेंट और क्योंकि दिल्ली में भी अपना ही घर है तो इन्वेस्टमेंट के लिए लेके रख लिया, लेकिन मुझे कुछ नहीं पता था कि उसका सेक्टर क्या है। मैं इमिजिएटली अपने हस्बैंड के पास जाती हूँ और उनसे पूछती हूँ कि गुरुजी कह रहे हैं कि हमारा सेक्टर 31 है। मेरे हस्बैंड कहते हैं हाँ यही है। और मैं बहुत आराम से गुरुजी के पास जाके हंस के बोलती हूँ, मुझे ये नहीं पता कि मैं जिनको बता रही हूँ वो कौन है, वो तो अंतर्यामी है, सारी दुनिया के खटखट के जानने वाले हैं वो तो। और मैं उनको बहुत आराम से हंस के बता रही हूँ हाँ गुरुजी आप जो कह रहे हो ना वो बिल्कुल सही है, 31 सेक्टर ही है। तो गुरुजी कहंदे जा तेनू ब्लेस कीता तू कोठी बनवा। और गुरुजी ने मुझे कोई टाइम दिया कि इस टाइम से पहले पहले शुरू करना है। और मैं अब एम्पायर स्टेट से लेके भारत तक का रास्ता मैं ये सोचती रही रास्ते में कि गुरुजी ने बोला है और अंकल पता नहीं कैसे रिएक्ट करेंगे। लेकिन जब हम बाहर पहुंचे गाड़ी के पास, सिस्टर भी उस दिन साथ थी, तो मैंने उनको बताया कि ऐसे ऐसे गुरुजी ने मेरे को बोला है, तो अंकल भी एकदम पॉजिटिव और सिस्टर तो बहुत ही खुश हुई। और अंकल ने कहा कि हाँ ठीक है जैसे गुरुजी ने कहा है हम वैसे ही करेंगे। और गुरुजी की आज्ञा से घर बनना शुरू हो गया। अब जैसे जैसे घर बनता जा रहा था, सत्संगत जी गुरुजी के यहाँ कहते हैं कि गुरुजी को मानो मांगो नहीं। और मैंने मन ही मन गुरुजी से प्रेयर करनी शुरू कर दी कि गुरुजी आप मेरे को इतनी दूर कहाँ भेजोगे, मेरा तो वहाँ दिल नहीं लगना, दिल्ली में तो मेरा
फ्रेंड सर्कल है, मेरी ताश चलती है, मेरी किटीज हैं, मैं वहाँ बहुत बोर हो जाऊंगी। और गुरु महाराज ने ऐसा मुझे इतने साल घुमाया, कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे होते गए कि मैं वहाँ शिफ्ट ही नहीं हो पाई। और इतना गुरुजी का ब्लेस्ड हाउस, फिर हमने दोनों फ्लोर्स जो है वो रेंट पे दे दी। आप विश्वास करें कि जो भी हमारे यहाँ टेनेंट आते थे इतने हैप्पी, इतने खुश, और उनमें से ज्यादातर विद इन वन ईयर अपने अपने घरों में जाते थे। ये गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स हैं। उसके बाद मैंने गुरुजी से बहुत रिक्वेस्ट करी, बहुत माफी मांगी कि गुरुजी मैंने बहुत गलत आपसे मांगा, अब मुझे आपके घर में ही जाना है। तो देन 2018 में हम लोग गुड़गांव शिफ्ट हुए गुरु महाराज की ब्लेसिंग से गुरुजी के ब्लेस्ड हाउस में। तो थैंक यू सो मच गुरुजी। अब यहाँ पर एक सत्संग है कि जब हम लोगों ने ये कंस्ट्रक्शन करवानी शुरू करी तो हमने एक चौकीदार रखा और वो यहाँ पर रहता था और कंस्ट्रक्शन चलती थी, और हम तो सैटरडे या संडे आते थे क्योंकि 5 डेज तो वर्किंग होता था तो अंकल की छुट्टी नहीं रहती थी। तो वो फैमिली यहाँ रहती थी, हस्बैंड वाइफ और उनका एक बेटा रहता था यहाँ पर। हाउस कंस्ट्रक्ट हो गया, थोड़े टाइम तक वो लोग रहते रहे, उसके बाद वो कहीं और शिफ्ट हो गए। और जब भी हम यहाँ पर आते थे तो मैं कभी कभी उससे मिलती थी। 2018 में जब मैं यहाँ आई तो मैंने उसकी वाइफ को एज अ हेल्पर अपने पास रखा, सफाई वगैरह करने के लिए। और फिर हमने गुरुजी का सत्संग कराया आने से पहले, और फिर घर में ही गुरुजी का छोटा सा दरबार लगाया, गुरुजी की मेहर से छोटा सा बनवाया गुरुजी का। तो वो अब जब आने लगी डेली, तो एक दिन वो मुझे कहने लगी कि आंटी मैं आपको एक बात बताऊं। मैंने कहा हाँ बोलो। कहती है आंटी जब मैं आपके यहाँ रहती थी मेरे को सेकंड बेबी होने वाला था, और कहती है एक दिन किसी की डेथ हो गई हम लोगों की फैमिली में, तो मेरी मम्मी भी आई हुई थी, मेरी मम्मी भी और मेरा हस्बैंड वहाँ डेथ पे चले गए और मेरे को पूछने लगे कि तू ठीक ठाक है। तो मैंने उससे कहा कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग जा सकते हो। तो कहती है आंटी उनके जाने की देर थी और मुझे जो है पेन स्टार्ट हो गए, और मैं ऐसे बैकयार्ड से ऐसे रूम की तरफ आ रही थी। अब जहाँ आपने एग्जैक्ट गुरुजी का रूप लगाया हुआ है और वहां तक मैं पहुंची तो बेबी नीचे गिर गया। कहती मैं इतनी घबरा गई, कि घर में कोई नहीं है, मैं इस समय क्या करूं, मैं इस समय बिल्कुल अकेली हूँ। तो कहती है कि आंटी ये आपका ये जो दरवाजा है जहाँ से एंट्री है, कहती है वहां पर एक कोई आए, मुझे नहीं पता वो कौन थे, उन्होंने वाइट कपड़े पहने हुए थे और दीवार का सहारा लेकर खड़े हो गए और कहते घबराने की कोई जरूरत नहीं है, उठ बच्चे ने उठ, मैं तेरा सब ठीक कर दिया। कहती है ऐसे उन्होंने मुझे बोला और मुझे इतने सालों तक नहीं पता चला कि वो कौन थे, लेकिन आज मैं कहती हूँ कि गुरुजी, वो गुरुजी आए थे आंटी और उन्होंने इतना ब्लेस किया, उनकी एक दो वर्ड्स बोलने से, दो सेंटेंस बोलने से मेरे अंदर इतनी हिम्मत आ गई कि मैंने वो बच्चे को उठाया, साफ किया, अपना सब कुछ किया, और जब तक मेरे हस्बैंड और मेरी मदर वापस आए तब तक मैं आराम से बच्चे को लेके सोई हुई थी। और वो इतना ब्लेस्ड बच्चा है सासंग जी, वो इस समय 12th में पढ़ता है, वो बच्चा टॉपर है वो, और उसके पब्लिक स्कूल में पढ़ता है। कहती है कि आंटी के प्रिंसिपल, इसके टीचर्स इसको बुला बुला के हमारे साथ फोटो खिंचवाते हैं, ये इतना इनाम लेता है, ये बच्चा कहाँ से आ गया मेरे घर। कहती है ना तो ये हमारे जैसी भाषा बोलता है, ना इसको हमारा खाना पीना अच्छा लगता है, ना इसकी शक्ल मेरे परिवार में किसी से मिलती है, ये गुरुजी ने कैसा बच्चा मेरे घर भेज दिया है, ये तो किसी और ही फैमिली का बच्चा है जो गुरुजी ने यहाँ ब्लेस किया है। तो ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं। और वो ये भी कहती है कि आंटी जब मैं आपके यहाँ चौकीदारी हम लोग करते थे तो हमारे पास खाने को भी कुछ नहीं था। वो दिन और आज का दिन उसने मुझे सारा बताया कि देखो पलवल में मैंने कोठी बनाई, वो मैंने रेंट पे दी हुई है,
और सोना रोड पे मैंने एक प्लॉट ले रखा है, और मेरे हस्बैंड के पास गाड़ी है, मेरे बच्चे के पास मोटरसाइकिल है, इतना पैसा मैं कमाती हूँ, इतना पैसा मेरा आदमी कमाता है। तो वो इतनी खुश होती है कि कहती ये सब गुरुजी की ब्लेसिंग्स है। फिर उसके बाद जब वो यहाँ पर आई तो उसको गुरुजी के बारे में कुछ नहीं पता था, फिर धीरे धीरे उसको हमारे घर से सब पता चलना शुरू हुआ, गुरु महाराज के घर से उसको सब पता चलना शुरू हुआ। और मैंने उसको मंदिर का भी बताया, वो मंदिर भी गई और बहुत खुश होती है और कहती है कि अभी भी कोई भी प्रॉब्लम मेरे ऊपर आती है आंटी, तो गुरुजी मुझे कोई ना कोई साइन जरूर दिखा देते हैं। इतना मानती है, घर में जैसे ही घुसती है सबसे पहले गुरुजी को माथा टेकती है। तो ये गुरु महाराज की ब्लेसिंग्स हैं, गुरुजी कब किसके ऊपर अपनी ब्लेसिंग्स बिखेरते हैं ये तो वो ही जानते हैं। साथ संगत जी, जैसे आज एक ये गुरुजी का वचन के ऊपर ही मैं एक सत्संग सुनाती हूँ कि गुरुजी जब अपने चोले में थे तो कोई फंक्शन आता था तो उससे पहले गुरुजी हफ्ते के लिए मंदिर खोलते थे। तो एक बार ऐसे ही आई बैसाखी का सत्संग फंक्शन होना था मंदिर में, और उससे एक हफ्ते पहले बड़ा मंदिर खुला सफाई के लिए। तो एक दिन मैं और मेरे अंकल गए मंदिर में। जैसे ही हम लोग पहुंचे तो वहां पर एक कोई अनीश लड़का होता था, और जैसे ही बाहर में शिव जी की मूर्ति के आगे मैंने माथा टेका तो उसने मुझे कहा कि आंटी गुरु जी का फोन आया है कि कल सुबह आप सेवा में आ जाओ, सुबह आ जाओ सेवा, गुरु जी का फोन आया है। तो हमने नेक्स्ट डे जयपुर जाना था तो वो प्रोग्राम तो हमने कैंसिल ही कर दिया कि ऐसा मैसेज मिला है तो सुबह जरूर जाना है मंदिर। रात को क्या हुआ कि मेरे हस्बैंड की तबीयत खराब हो गई, उनको फीवर हो गया, लूज मोशंस हो गए, तो वो तो बिल्कुल इस कंडीशन में नहीं थे कि वो मंदिर जाएं। और मैं मतलब 4:30 बजे सुबह से उठ के परेशान कि मैं क्या करूं, बच्चे भी नहीं है, तब मेट्रो भी नहीं होती थी और बहुत दूर लगता था तब मंदिर, जनकपुरी से बहुत दूर लगता था कि मैं अकेली कैसे जाऊंगी, मुझे सुबह सुबह पहुंचना है। तो मैंने एक आंटी है जो विकासपुरी में रहती हैं, तो मैंने आप संगत विश्वास कीजिए कि सुबह सुबह कौन किसी को फोन करेगा, और मैंने उनको अर्ली मॉर्निंग 5 बजे फोन कर दिया। मैंने कहा आंटी ऐसे से बात है और मुझे आज मंदिर जरूर जाना है, तो आप मेरे साथ चलो, हम कैसे भी करके प्रोग्राम बनाएंगे। तो आप विश्वास करें कि वो आंटी इतनी खुश हुई, इतनी खुश हुई कि मैं आपको क्या बताऊं। वो कहने लगी कि कल एम्पायर स्टेट में गुरुजी ने बहुत संगत को बोला है कि सवेरे सवेरे मंदिर पहुंचो सेवा है, सवेरे सवेरे मंदिर पहुंचो सेवा है। कहती है मेरे को मेरी सिस्टर का फोन आया और मैं रात से ही परेशान हूँ कि गुरुजी कि आपने हमें क्यों नहीं बोला, मेरा भी बहुत मन है जानने का। कहती है चलो अब तो आपको ले जाने के बहाने में जा ही सकती हूँ। उन्होंने अपनी बेटी की छुट्टी कराई और हम लोग मंदिर पहुंचे, और हम 6 बजे मंदिर पहुंच भी गए। और पूरा उस रात इतनी आंधी तूफान दिल्ली में आया था, पूरा मंदिर मिट्टी से भरा हुआ और पूरे बड़े बड़े पत्ते 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 पूरे मंदिर के अंदर, और धीरे धीरे संगत आती गई और गुरु जी ने जिनसे सेवा लेनी थी गुरु जी ने उनसे सेवा करवाई। तो ये गुरु महाराज को देखो, पहले सब पता था कि ऐसे रात को होने वाला है, ऐसे आंधी और तूफान आने वाला है और इस संगत को सेवा में भेजना है। तो कौन है गुरु महाराज, उनका नेचर पर पूरा कंट्रोल है, गुरु जी का पूरा कंट्रोल है। ये एक्सपीरियंस मैंने गुरु जी महाराज की कृपा से किया है, इस एक्सपीरियंस। तो गुरु जी हमारे तो सदा शिव हैं, महाशिव हैं। ऐसे ही एक सत्संग है, मेरा बड़ा बेटा, बेटे की जॉब लगी इंफोसिस में, फर्स्ट उसकी जॉब लगी, तो उसके साथ ही एक कॉलेज में लड़का है, तो इन बच्चों की प्लेसमेंट एक साथ हुई और इनकी मैसूर में ट्रेनिंग आई। दोनों बच्चे एक साथ फ्लाइट से गए और चांस की बात है कि वहां पर इनको रूम भी सेम मिला। और उससे पहले जब मेरा बेटा जाने वाला था, उसकी नेक्स्ट डे जैसे फ्लाइट थी और हम एक दिन पहले उसकी शॉपिंग कंप्लीट करके आए, तो
इतनी मेरे घर में गुरु महाराज की फ्रेग्रेंस आई, इतनी फ्रेग्रेंस आई कि मैं आपको बता नहीं सकती। और मैं तो मन जाप करने बैठ गई, लेकिन हमारी सोच तो यहीं तक ही रहती है कि गुरु जी बच्चा जा रहा है उसको ब्लेस कर, इससे ज्यादा तो हमारी सोच है नहीं। गुरु महाराज की सोच कहाँ से कहाँ तक है। तो दोनों बच्चे चले गए। अब चांस की बात है कि दोनों को वहां पर रूम भी एक ही मिला, और वो बच्चा जो है बीमार था, उसके किडनी में स्टोन्स थे। इससे पहले ये हुआ कि जब बच्चे की फाइनल पैकिंग होने लगी बेटे की, तो मैंने उसको एक गुरुजी का स्वरूप दिया। जब मैंने उस स्वरूप को उठाया और मैं उसको दिया, तो उसके अंदर संगत जी पूरे अमृत से शिव जी बने हुए थे, पूरे शिव जी गुरु जी के चरणों के पास। और पहले तो मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया, लेकिन जब मैंने उसको वो स्वरूप दिया गुरु जी का, तो वो तब मैंने देखा। और वो स्वरूप मैंने उसको कहा कि तुम इसको अपने रूम में लगाना। तो बच्चे ने वहां जाके रूम के अंदर गुरु जी के स्वरूप को लगाया। अब जो दूसरा बच्चा था वो बहुत बीमार रहने लगा, उसे किडनी में स्टोन थे और उसको ये प्रॉब्लम पहले से ही थी। और वहां पर जाकर बच्चे की तबीयत ज्यादा खराब हो गई, इनको एग्जाम्स भी क्लियर करने थे वहां पर, उसके बाद इनकी जॉब परमानेंट होनी थी, ऐसा कोई सिस्टम था वहां पर, और इट वाज वेरी टफ ट्रेनिंग। तो अब वो बच्चा कुछ कर ही नहीं पाता था, तो मेरा बेटा मुझे यही कहता था, मम्मी उसको बहुत पेन होती है और वो कुछ कर ही नहीं पाता, और मैं भी उससे डिस्टर्ब रहता हूँ। तो मैं वो भी यही कहता था कि मम्मी मैं इसके लिए प्रेयर कर रहा हूँ, आप भी करो। तो मैंने उसको कहा कि तू उसको भी कह। तो उसने उसको बोला कि देख अमित, ये गुरुजी हैं, मैं इन्हें बहुत विश्वास रखता हूँ, और गुरुजी तेरा सब कुछ ठीक कर देंगे, तू इनमें विश्वास। लेकिन वो बच्चा ठीक नहीं हो पा रहा था। फिर उसका यही हुआ कि इसका ऑपरेशन होना है, और उसके पेरेंट्स भी गए, और सारी डेट्स वगैरह सब कुछ फाइनल हो गया, सब हो गया। और ऑपरेशन से पहले फिर उसका जब टेस्ट वगैरह लिया गया, तो सारे डॉक्टर्स वहां पर हैरान थे कि इसलिए ऑपरेशन होना है इसका, इसके बच्चे को कुछ है ही नहीं। तो संगत जी आप देखिए कि जिस बच्चे ने गुरु जी को नहीं देखा, जिसने मंदिर को नहीं देखा, जिसको कुछ ABCD नहीं पता, उसको गुरु महाराज ने कैसे ब्लेस किया। और उसके बाद उस बच्चे ने, उसके एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज इसमें ये है कि मेरा बेटा बताता है कि मम्मी उसका तो ना एग्जाम्स ही इतने कम उसके थे कि उससे ज्यादा उसके मार्क्स आ गए। अब ये भी एक बड़ी अजीब सी चीज है कि पहले के पेपर्स बच्चे ने दिए नहीं है और मार्क्स उसके इतने आ गए कि वो क्वालिफाई कर गया, और गुरु महाराज की मेहर से, और वो फर्स्ट क्लास सेटल हो गया। मेरे बेटे की पोस्टिंग पुणे आ गई और वो बेंगलोर चला गया। तो मैंने बेटे को एक दिन कहा कि उसको बोलो कि आके गुरु जी का थैंक करें, मंदिर में आए। तो ठीक है, वो नहीं, उस बच्चे को इतना वो हुआ। अब पीछे 4-5 साल पहले एक दिन उसका फोन मुझे आया कि आंटी मैं गुरु जी के मंदिर आना चाहता हूँ। तब मेरा बेटा था नहीं, वो पुणे में था, तो मैंने कहा ठीक है बेटे आप आ जाओ, हम आपको मंदिर ले चलेंगे। तो वो बच्चा बेंगलोर से आया, और जब हम उसको मंदिर ले जाने लगे रास्ते में, तो फिर मैंने उसको पूछा, मैंने कहा कि आपकी जो किडनी गुरुजी ने ब्लेस करी थी वो ठीक है? कहने लगा हाँ आंटी वो तो बिल्कुल ठीक है, मेरी लेकिन मेरी दूसरी किडनी में प्रॉब्लम। तब मुझे समझ में आया कि तब उसको उसका टाइम गुरुजी ने कैसे उसको बुलाने का लिखा था, और वो मंदिर आया। फिर वो कहने लगा कि आंटी अब तो मेरी पूरी फैमिली आती है गुरु जी के पास। तो ये गुरु महाराज हैं कि कहाँ से कैसे किसकी हेल्प करते हैं, ये हम में से कोई भी नहीं समझ सकता। इस चीज को हम लोग समझ ही नहीं सकते कि गुरु जी आउट ऑफ द वे जाके लोगों की हेल्प करते हैं, अपनी संगत की हेल्प करते हैं, कैसे लोगों को अपने पास खींचते हैं, किसका टाइम कब है, ये सब गुरु जी जानते हैं। ऐसी संगत जी, हम लोग मंडे के दिन भी पता चला कि मंदिर खुलता है, तो मंदिर जाना शुरू हो गए। तो बहुत आनंद आता था,
सेवा करते थे वहां पर, बहुत ही अच्छा लगता था। तो लेकिन कैसे भी गुरुजी पहुंचा देते थे, और वापसी का भी कुछ पता नहीं होता था, वो भी गुरुजी पहुंचा देते थे। ये सब गुरुजी की मेरी है कि कैसे मंदिर पहुंचते थे और कैसे आते थे। तो एक दिन मंदिर में 7:30-8 का टाइम था और मंदिर बंद होने का टाइम था। उस समय बहुत ज्यादा संगत नहीं होती थी, ऐसे ही 15-20 लोग थे और सारा दिन ऐसे ही होता था, आते जाते रहते थे। तो जैसे ही हम लोग मंदिर में बाहर की तरफ आने लगे और हम ऐसे सामने को माथा टेकते हैं, तो उस दिन गुरुजी ने बहुत ही सुंदर दर्शन कराए, शिवलिंग के राइट हैंड साइड में जहाँ त्रिनेत्र बना हुआ है उसके राइट हैंड साइड में बहुत बड़ी जोत चल रही थी। ये क्या था तो समझ में नहीं आ रहा था, बट इट वॉज अमेजिंग। मतलब ऐसे लग रहा था कि यहाँ से नजरे ही नहीं उठाओ, इतनी रोशनी और बहुत लंबी जोत थी। उसके दर्शन गुरुजी ने कराए। उससे एक दिन पहले गुरुजी ने उसी शिवलिंग पे दो अंकल को तप्त ऋषि के दर्शन कराए और मंडे को ये दर्शन कराए। और मंडे को जब वो दोनों अंकल एम्पायर स्टेट गुरुजी के पास गए तो गुरुजी ने उनसे पूछा कि वे क्या आज मैं की वे खाया है। उन्होंने कहा हाँ जी गुरुजी, आज तो बहुत सुंदर दर्शन ज्योत के हो रहे थे शिवलिंग पे और कल सप्त ऋषि के दर्शन हुए जो उन दो अंकल ने करे। तो तब गुरुजी ने बोला कि आन वाले टाइम विच ये मंदिर इंडिया दा ही नहीं पूरे वर्ल्ड दा सब तो पवित्र स्थान बनेगा, और जो इसके पास से भी निकल जाएगा उसके मन में भी जो कुछ होगा वो पूरा होगा। तो ये गुरु महाराज के वर्ड्स आज हम देखते हैं कितने सत्य हैं। आज जब कोविड के टाइम में या उससे पहले भी इतना रश गुरु जी के बर्थडे वाले दिन, शिवरात्रि वाले दिन इतना रश हो जाता है कि कई संगत से पता चलता है कि वो टी पॉइंट से ही वापस चले गए। तो लेकिन टी पॉइंट से वापस जाने का ये नहीं मतलब कि उनकी हाजिरी नहीं लगी। गुरुजी ने उनकी हाजिरी लगाई है क्योंकि ये गुरुजी का वचन है। और लेकिन रश इतना होता है कि कई कई संगत ऐसी हैं जो वापस चली जाती, लेकिन गुरुजी की ब्लेसिंग्स तो मिलती ही हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आप बाहर से भी दर्शन कर रहे हैं तो ब्लेसिंग्स नहीं मिल रही। कोविड टाइम में भी हम लोग बाहर से ही दर्शन करके आते रहे हैं गुरु जी के, तो गुरु जी अपनी ब्लेसिंग्स तो देते ही हैं, क्योंकि गुरु जी को पता है कि मेरा भक्त इतनी दूर से चल के आ रहा है और ये एक बहुत बड़ी मजबूरी है इस समय। अब तो मंदिर खुल गया है, गुरु महाराज की कृपा से दर्शन हो रहे हैं, लेकिन जिस टाइम पे दर्शन नहीं थे उस समय हम लोग तो बहुत ही परेशान होते थे कि गुरु जी कहाँ जाएं, आपके दर्शन कैसे करें। तो गुरु महाराज सबकी हाजिरी लगाते हैं। ऐसे ही मेरे छोटे बेटे का प्रसंग है कि उसके 12th के एग्जाम्स के बाद वो बीटेक के एग्जाम्स उसने देने थे, तो जैसे फॉर्म्स वगैरह निकलने शुरू हो जाते हैं, पहले तो बहुत ही निकलते थे, तो मैं उसके फॉर्म भरती थी जगह जगह के जहाँ से भी निकलते थे लेके उसको भरना। तो वो मुझे तो मेरा बड़ा बेटा मेरे पास आ जाता, मम्मी आप ना इसके ना फॉर्म मत भरो, इसके ना दिल्ली में एडमिशन है, आप देख लेना, आप मत भरो इसके कहीं भी फॉर्म। तो मैं उसको कहती थी कि बेटा ऐसे थोड़ी होता है, तो तेरे लिए भी मैंने जगह जगह भरे थे फॉर्म, तो वो तो फॉर्म तो भरने ही है, तो जहाँ एडमिशन होगी वहाँ जाएगा ही। मेरे बेटे को लगता था, बड़े बेटे को, कि नहीं ये बहुत फ्रेंडली है, फ्रेंड्स बहुत जल्दी बना लेता है, ये हॉस्टल में जाके ना कहीं बिगड़ ना जाए, तो नहीं आप देखना इसकी एडमिशन दिल्ली में ही है, ये घर पर ही रहेगा, ये नहीं जाएगा हॉस्टल में, देखना। तो मैं सुन लेती थी, बच्चे की बात सुन लेती थी, लेकिन जो करना है वो तो करना ही। तो फॉर्म्स भरते थे उसके, तो उसका एग्जाम्स हो गए,
और उसके आईपी यूनिवर्सिटी में उसकी बहुत अच्छी रैंक आई। तो हम लोग जब उसकी काउंसलिंग के लिए गए तो इसको बहुत अच्छा कॉलेज मिलते थे, फ्री कॉलेज भी मिलता था इसको। लेकिन इस बच्चे ने बोला कि हमारे घर के पास ही ये कॉलेज है, महाराजा सूरजमल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो ये जिद पे ही अड़ गया मेरा बेटा छोटा, कि नहीं मम्मी मैंने तो यही एडमिशन लेनी है, मुझे इतनी दूर नहीं जाना, फोन इतना आने जाने में टाइम वेस्ट होता है बहुत ज़्यादा, घर के पास है बहुत बढ़िया है, 9 बजे की मेरी क्लास होगी, 8:45 मैं उठूंगा और फटाफट कॉलेज पहुंच जाऊंगा। बड़े वहां पर काउंसलर ने भी समझाया कि आपको तो इससे अच्छे कॉलेज मिल रहे हैं, आपको फ्री भी हो रहा है, नहीं मैंने तो यही लेना है, मैंने तो एडमिशन नहीं लेनी है। और बच्चे ने इतनी जिद करी कि हमने उसकी एडमिशन वहीं करा दी। अब उसकी दिल्ली में एडमिशन हो गई। अब जब मैं घर आई और मैं इस चीज को भूल गई कि मेरा बड़ा बेटा मुझे क्या कहता था, तो मेरे को कहता है कि देखा मैंने आपको बोला था ना, इसकी तो दिल्ली में ही एडमिशन पक्की है, आपको कोई फॉर्म भरने की जरूरत ही नहीं है, आप तो ऐसे ही परेशान हो रहे थे। तब मैंने उसको पूछा, मैंने कहा तू मुझे ये बता कि तू इतनी श्योरिटी से कैसे कहता है, क्या चीज थी ऐसी? कहता है मम्मी मैं इसके लिए बहुत परेशान रहता था, तो एक दिन गुरु जी मेरे पास आए और मेरे को कहने लगे तेरे प्रादी एडमिशन मैं महाराजा सूरजमल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी विच करा देती है, तू चिंता ना। तो आप देखिए गुरु महाराज की कितनी मेहर। और बहुत अच्छे उससे बच्चे ने वहां से अपना बीटेक किया और बहुत अच्छी उसकी जॉब भी लगी, उसके बाद उसने एमबीए भी किया। गुरु महाराज ने इतनी ब्लेसिंग्स दोनों बच्चों पे करी हैं, ये सब उन्हीं की ही कृपा है, उन्हीं की ही मेहर है। मैं इसी में अपने एक छोटे बेटे का और सत्संग सुनाती हूँ कि 9th क्लास तक ये मेरा बच्चा ये वेरी शार्प, लेकिन बिल्कुल भी जैसे पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं है, और मतलब अगर पेपर आता भी है तो भी उसको छोड़ आएगा कि मेरा हाथ थक जाता है मैं क्यों लिखूं, और कि इतने मार्क्स तो मेरे आई जाने, वेरी केयरलेस। और मतलब मेरे को इसकी बहुत टेंशन रहती थी, ये मतलब बिल्कुल सीरियस नहीं है स्टडीज को लेके, और कैसे करेगा आगे, इतनी कॉम्पिटिशन्स हैं, इतनी पढ़ाई है। तो जब हम गुरुजी के पास आना शुरू हुए तो इस बच्चे में इतना चेंज आना शुरू हो गया कि मैं हैरान हो गई देख के। एक दिन हम लोगों के घर कोई गेस्ट आए, मैं इस बात को महसूस कर रही थी कि इसमें बहुत चेंज आ गया है, पढ़ाई को लेके बहुत सीरियस हो गया है और बड़े अच्छे मार्क्स इसके आते हैं, ऑल ऑफ सडन इसको क्या हो गया है मुझे भी नहीं समझ में आ रहा था। तो हम लोगों के घर कोई गेस्ट आए तो गुरु महाराज का स्वरूप रखा हुआ था, तो वो हमसे पूछने लगे और हम उन्हें बताने लगे। उस टाइम पे ऐसे था कि इतना कुछ मतलब गुरुजी के बारे में बहुत लोग नहीं जानते थे और सुन के भी लोगों को इतना वो नहीं होता था। तो फिर मैं थोड़ा सा बिजी थी किचन में, तो मेरे बच्चे ने फिर ये सत्संग सुनाया कि आंटी मैं ऐसे ऐसे था, और एक दिन क्या हुआ कि मैं गुरुजी के पास आने लगा तो मेरे में धीरे धीरे पढ़ाई की तरफ मेरा ध्यान बढ़ता चला गया। एक दिन हुआ ये कि मैं अपनी क्लास में मैंने पूरा पेपर करके दिया, टेस्ट चल रहा था और मेरी मैम ने मेरे लिए क्लैपिंग करवाई और मैं इतना खुश हो गया कि एक पेपर पूरा करने से इतनी रिस्पेक्ट मिलती है तो मैं क्यों ना पढ़ाई की तरफ सीरियस हो जाऊं। और कहता है ये सब जो थॉट है और ये सब जो है ये सब गुरु जी के पास जाने से हुआ है। जब मैंने इस बच्चे के मुंह से सुना तो मैं बहुत हैरान हूँ, मैं कहा गुरु जी आप क्या करते हो, कमाल है आपकी तो। और गुरु जी की मेहर से ही उस बच्चे ने अपनी लाइफ में बहुत तरक्की करी है, बहुत गुरु जी की मेहर है और बहुत कृपा है, ये सब गुरु जी की ही कृपा है। कि जिस बच्चे को मैं ये हमेशा डांटती रहती थी कि तेरे लिए तो मुझे ठेला लगवाना पड़ना है, तू कुछ नहीं कर सकता, तू बिल्कुल पढ़ाई की तरफ सीरियस नहीं है, और कैसे गुरु जी के पास जाने से ऑल ऑफ सडन उसमें इतना चेंज आ गया और वो बच्चा धीरे धीरे अपनी लाइफ की तरफ बढ़ता चला गया और बहुत ही अच्छे तरीके से। फिर जब गुरु जी ने चोला छोड़ दिया
तो संगत जी, जैसे गुरु जी के यहाँ बड़े फंक्शंस होते हैं, गुरु जी के चोले में तो कभी इसको इस चीज का मौका नहीं मिला कि इसको वहाँ परफॉर्मेंस करने का मौका मिले, लेकिन गुरु जी के चोला छोड़ने के बाद इसको वो मौका मिला। तो एक दिन ये मुझे बताने लगा कि हालांकि बच्चे ऐसी बात करते नहीं है कि मम्मी आज जब मैंने वहाँ हॉल में डांस किया है ना, तो मुझे पता नहीं क्या था, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि गणेश जी मेरे आगे डांस करें। पूरे कहते हैं बाल रूप में गणेश जी थे और उन्होंने मेरे साथ पूरा डांस किया। तो मैं बहुत हैरान होती हूँ कि गुरु जी आप क्या करते हो, मतलब कितना बच्चों को अपनी ओर खींच के और किस तरीके से उनको विश्वास दिलाते हो आप। और मतलब बड़ी खुशी भी होती है कि गुरु जी से बच्चे जुड़े हुए हैं और बहुत गुरु जी को प्यार भी करते हैं। तो ये गुरु जी की ही मेहर है, गुरु जी की ही कृपा है। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू सो मच। संगत जी, अब मैं आपको दो तीन सत्संग गुरु जी की समाधि लेने के बाद सुनाती हूँ। सत्संग तो गुरु जी के बहुत हैं, गुरु जी के टाइम भी बहुत सत्संग है, बहुत गुरु जी की ब्लेसिंग्स है, बहुत गुरु जी ने प्यार दिया। तो जब गुरु जी ने समाधि ली तो सबको पता है कि जो संगत थी उसका क्या हाल था। मतलब ऐसे हम लोग हो गए कि बस क्या हो गया, और हम लोगों के तो आंसू ही नहीं रुकते थे, बहुत परेशान बहुत परेशान कि गुरुजी आप कहाँ चले गए, आप कहाँ चले गए। इनमें मेरा बड़ा बेटा भी, दैट टाइम ही वॉज वेरी अटैच्ड टू गुरुजी, बहुत अटैचमेंट थी उसको उस टाइम गुरुजी से। और जब इसको पता चला तो, और हमें मैसेज आया कि ऐसे ऐसे मंदिर पहुंचो, तो हम लोग मंदिर जा रहे थे, हमारे साथ एक आंटी और थी, तो ये गाड़ी चला रहा था बड़ा बेटा, लेकिन इससे गाड़ी नहीं चली, ये बहुत रो रहा था। फिर इसको छोटे बेटे को स्टेयरिंग पे बिठाया, इसको साइड में बिठाया, और ऐसे हम लोग मंदिर पहुंचे। ये थोड़ा सा टाइम निकल गया, ये 5-6 दिन हो गए, और लेकिन ये बच्चा शांति नहीं होता था। तो एक दिन ऐसे ही हम लोग कहीं रास्ते से डोसा खा के आ रहे थे, तो नहीं डोसा खाने गए हम लोग, मंदिर से ही आ रहे थे शायद, तो कहीं रास्ते में रुके, तो ये वहां भी रोने लगा। फिर मैंने इसको कहा कि क्या हुआ, तो कहने लगा कि मम्मी गुरुजी चले गए, अब क्या होगा। मतलब ये बहुत ज्यादा डिस्टर्ब था। अब आप गुरुजी की मेहर देखिए कि गुरुजी ने एक एक संगत को कैसे संभाला, मेरे बेटे को भी गुरुजी ने संभाला। गुरुजी ने इसको ड्रीम दिया और ड्रीम में इसको दिखाया कि गुरुजी ने व्हाइट कपड़े पहने हुए हैं, व्हाइट कुर्ता पजामा पहना हुआ है, एक पीछे बहुत बड़ी लाइट है, गुरुजी मेडिटेशन में बैठते हैं और धीरे 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 उस लाइट में चले जाते हैं, और इसको ये मैसेज देते हैं कि मैं लाइट में से आया था, मैं लाइट में ही वापस गया, मैं कहीं नहीं गया, मैं तुम सब लोगों के बीच में ही हूँ। ये गुरुजी ने इसको मैसेज दिया कि मैं लाइट में से आया हूँ, मैं लाइट में ही वापस गया हूँ, वो लाइट कभी खत्म नहीं होती। और तब इस बच्चे को समझ आई कि गुरुजी तो हम लोग के साथ ही हैं। और संगत जी, उसके बाद ही लाइट ऑफ डिविनिटी बुक आई, और उसके बाद ही रघुराय अंकल की वो बुक आई जिसमें लास्ट में गुरुजी को लाइट में जाते दिखाया गया। और इस बच्चे को समझ आई, अब तो मुझे भी समझा देता है कि मम्मी गुरुजी तो हमारे अंदर ही हैं, आप उनको अपने अंदर ही ढूंढो, अंदर ही मिलेंगे। तो ये गुरु महाराज की मेहर है, बहुत बड़ी मेहर है, बहुत संगत पे गुरुजी ने, सारी संगत पे गुरुजी की बहुत मेहर है, हर पल गुरुजी मेहर करते हैं। ऐसे ही मैं आपको एक सत्संग और सुनाती हूँ गुरुजी का चोला छोड़ने के बाद का। मंडे को जैसे हम लोग मंदिर जाते थे, कई बार ऐसे होता था कि मैं और अंकल अर्ली मॉर्निंग चले जाते, तो अंकल और मैं जाते थे, और कई बार तो ऐसे होता था कि हम लोग मेन डोर को जाके नॉक करते थे, तो फिर
क्योंकि हम सुबह 6 बजे घर से निकल जाते थे और 7:15 बजे तक मंदिर पहुंच जाते थे, और तब तक मंदिर खुलता नहीं था, और नॉक करते थे तो मालिक आका खोलते थे आके, और हम एंट्री करते थे। और एक आध बार तो हमें गुरु महाराज ने ये भी मौका दिया कि हमने हॉल भी खुला जाके, तो गुरु जी की ग्रेस थे, और इतना सुंदर मंदिर लगता था सुबह सुबह पायस, इतना अच्छा कि मैं फीलिंग इतनी अच्छी, तब रश भी नहीं होता था। मेरे अंकल चले जाते थे, एक छोटी पेंट्री होती थी वहां पर चाय प्रसाद बनाने, और मैं मोस्टली कुटिया के पास जाती थी। कुटिया के पास जाके अपना जो भी गुरु जी का बाहर की तरफ करके, उस समय इतनी स्ट्रिक्टनेस नहीं थी, आप जा सकते थे वहां पर, और अपना फिर धीरे धीरे एक दो संगत आती थी, फिर वो चाय प्रसाद बना हुआ होता था तो वो लेते थे। तो ऐसे हम लोग कई बार ऐसे मेरा प्रोग्राम बनता था, और कई बार किसी आंटी के साथ शाम का बन जाता था तो वैसे चले जाते थे। तो एक दिन हम लोग, मैं और अंकल गए, तो मैं तो कुटिया की तरफ चली गई, और अंकल ने उस दिन चाबी ली और हॉल खोला अंकल ने, तो अंकल के पीछे एक लेडी आई जो बिल्कुल ऐसे थी जैसे मजदूर होते हैं, जैसे कोई गिट्टी कूटता है उस टाइप के। तो और वो बेचारी बहुत हैरान हो रही थी मंदिर को देख के। वो हॉल के अंदर घुसी, उसने शिव जी की जो ब्रासों की, शिव जी महाराज की जो मूर्ति है, उसके आगे 5 का सिक्का और थोड़े से इलायची दाने का प्रसाद रखा। तो मेरे अंकल ने कहा कि आंटी यहाँ कुछ ऐसे होता नहीं है, आप इसको उठा लो। तो कहने लगी कि आप मुझे ये बताओ कि ये जो चारों तरफ ये जो फोटो लगी हुई है, ये कौन है, कौन बाबा जी है? तो अंकल ने बताया कि ये गुरु जी है, ये मंदिर गुरु जी का ही है, गुरु जी ने ही बनाया। कहती अच्छा, मुझे तो कुछ भी पता नहीं है, 4-5 दिन से ये रोज मेरे ड्रीम में आ रहे, और मुझे इन्होंने कहा कि तू मंदिर आ, और मैं तब पूछते 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 यहाँ मंदिर पहुंची हूँ, मुझे नहीं पता ये कौन है और इन्होंने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है, मुझे नहीं पता, लेकिन रोज 4-5 दिन से मेरे ये सपने में आ जाते हैं और मुझे कहते हैं मंदिर आ। तो देखिए गुरु महाराज की मेहर, इतनी कृपा है कि जैसे हम लोगों के मन में कई बार आता था कि भाई एम्पायर स्टेट में जैसे हम देखते थे कि गुरु जी के पास कितने बड़े बड़े लोग बैठते हैं, लेकिन गुरु जी की मेहर देखिए कि किसको गुरु जी खुद ड्रीम में दर्शन दे के बुला रहे, और कैसे गुरु जी एक्सपीरियंस कराते, कि कैसे हमारे थॉट्स चेंज करते हैं, कि आप हम कितना गलत कई बार सोच लेते हैं, क्योंकि हम तो यही देखते थे कि कितने बड़े बड़े लोग गुरु जी के पास बैठे हैं, और गुरु जी कैसे एक्सपीरियंस कराते हैं कि मैं तो सबके साथ, और ये गुरु जी की बातें हैं कि जो सबसे पीछे बैठा है वो मेरे सबसे पास है। तो ये गुरु जी जानते हैं इन चीजों को कि किसको कब किस चीज की जरूरत है, किसको कहाँ बिठाना है, किसको कहाँ खड़ा करना है, ही नोज एवरीथिंग। हम लोग तो इन चीजों को समझ नहीं पाते क्योंकि हम तो जो सामने देखते हैं वही है, लेकिन इस एक्सपीरियंस से गुरु जी ने सिखाया, और बहुत एक्सपीरियंस गुरु जी ने मुझे ऐसे दिखाए कि कैसे गुरु जी हेल्प करते हैं हर किसी के साथ है गुरु महाराज। संगत जी, अब मैं एक दो सत्संग अपनी फ्रेंड के सुनाऊंगी, वो जो बिल्कुल मैंने देखे हुए हैं, जो बिल्कुल मेरे को उस चीज का पता है। ऐसे जब मैं मंदिर जाना शुरू हुई तो जनकपुरी में एक मेरी फ्रेंड है, मैं उनके साथ वॉक करती, तो वॉक करते करते ऐसे मैंने उसको बताया कि ऐसे ऐसे सिस्टर जाती है तो हमें भी लेके गई है, बहुत ही अच्छी जगह है, बहुत ही अच्छा है, बहुत बढ़िया है। तो वो कहने लगी कि मुझे भी जाना है, तो शब्द मुझे भी ले चलते हैं। कहाँ चलते हैं? तो जब गुरु जी का बुलावा आएगा तो जरूर चलो आप ही। तो एक दिन हम उनको भी लेके गए, उसको और उसके हस्बैंड को, और एक जस्ट वहाँ थोड़ा सा वो होता था कि गुरु जी से मिलवाने का, तो गुरु जी ने उसको भी बहुत प्यार किया और वो आने लगे गुरु जी के। फिर
2003 में 31 दिसंबर का दिन था, तो मुझे आज भी बहुत अच्छे से याद है। तो उस दिन हम लोग मंदिर में ही थे, तो गुरुजी ने कुछ संगत को बोला कि वड्डे मंदिर चलो। उन्हें मेरी सिस्टर भी थी, तो लेकिन हमें नहीं बोला, तो सिस्टर कहने लगी कोई बात नहीं चलते हैं। तो हम भी उनके साथ चले गए मंदिर में, और क्योंकि वो भी हमारे साथ आए हुए थे, वो अपनी गाड़ी में थे, वो भी मंदिर चले। जब हम लोग मतलब बड़े मंदिर पहुंचे, तो गुरुजी तो नीचे बैठ गए और जो है कि संगत बैठी, और उसके बाद जब गुरुजी से आज्ञा लेनी थी, तो मेरे आगे मेरी फ्रेंड थी और मैं उसके पीछे थी। तो उसने गुरुजी से आज्ञा ली, और जब मैंने आज्ञा ली, तो गुरुजी मेरे को कहते हैं अपनी फ्रेंड नू पूछ लई, जो कुछ अपने मन में रख के आई सी ना मेरे कोल, वो मैं पूरा कर देता है। आप संगत जी, मुझे तो कुछ नहीं पता, ना उसने मुझे कुछ बताया, लेकिन गुरुजी ने मुझे बताया। तो मैंने कहा हाँ जी गुरुजी, पर मैंने यही कहा गुरुजी को, मैंने ये नहीं कुछ भी बोला कि मुझे नहीं पता गुरुजी या क्या, कुछ भी नहीं। तो अब वो अपने घर चले गए, अपने घर आ गए। सुबह उसका मुझे फोन आया कि कहती है कि हाँ शबनम, मैंने गुरुजी से ये कहा था कि मन ही मन ये बोला था गुरुजी से कि गुरुजी मेरे हस्बैंड को बाहर भेज, और देखो गुरुजी ने कैसा अरेंजमेंट किया है। उसके हस्बैंड होटल लाइन में थे, ओबराय होटल में थे, कनाडा में उसी की सिस्टर इन लॉ ने होटल खरीदा और होल सोल उसके हस्बैंड को बना। तो देखो मतलब गुरुजी की क्या लीला है कि जो वो मन में रखे गई है, उसने गुरुजी को कुछ बोला ही नहीं और गुरुजी ने उसका पूरा किया, और फिर मुझे कह रहे हैं कि अपनी सहेली ने पूछ ले, और जबकि मुझे ये भी सीढ़ी भी नहीं पता। तो ये गुरु महाराज की बहुत कृपा है, बहुत ही मेहर है। ऐसे ही हुआ, फिर उसकी बेटी की शादी का टाइम आया, तो वो बहुत परेशान थी कि एक तो वो वैसे भी वशिष्ठ है, वो खुद भी पंडित है, और वो जो है सब मिला देख लेती है, वो खुद भी मतलब टेवे वेवे सब मिला लेती है, उसको इस चीज की बड़ी नॉलेज है। और जो है कि अब कहती जहाँ भी कुछ पसंद आता है वहाँ टेवा नहीं मिलता, वहाँ टेवा नहीं मिलता, बड़ी परेशान, बहुत परेशान। तो एक दिन हम लोगों के साथ कोई और संगत चली, वो उसी के पड़ोस में रहते हैं, तो गुरुजी ने उसको भी बहुत ब्लेस किया। और जब इसने फिर मेरी फ्रेंड ने गुरुजी से कहा, गुरुजी थोड़ी जी ब्लेसिंग्स मेरे ते भी करते हो, साढ़े ते भी करते हो। अब उसने ये नहीं कहा कि मेरे को किस चीज की ब्लेसिंग्स चाहिए, क्या चाहिए, कुछ भी नहीं। और गुरुजी तो जानी हार है, वो तो हर चीज जानते हैं, वो तो अंतर्यामी है। तो गुरुजी को पता था कि किस चीज के लिए परेशान है, और गुरुजी ने उसको कहा कि तू टेवे बहुत मिलानी है, असी टेविया में विश्वास नहीं रख। देखिए गुरुजी ने कैसे उसको ये सेंटेंस दिया, कि उनको पता था कि टेवे मिलाती है और मिलते नहीं है और कहीं रिश्ता होता नहीं। गुरुजी ने उसको डायरेक्ट बोला कि तू टेवे बहुत मिलाती है, हम टेवों में विश्वास नहीं रखते। तो उसने जब मुझे बताया, तो मैंने कहा फिर आप छोड़ दो ना ये चीज, जब गुरुजी आपको कह रहे हैं तो। देखो लेकिन वो उसकी अपनी मर्जी है, लेकिन मैं एक चीज आपको ये भी कहना चाहती हूँ कि गुरुजी उसको बहुत प्यार करते थे, बहुत प्यार करते थे, उसको बोलते थे कि तू मेरे को आया कर, आया मतलब जब भी गुरुजी के पास उसने जाना, गुरुजी ने उसको बोलना कि तू आया कर यार, तू आया कर यार। क्यों? क्योंकि तो मैं जानती हूँ कि शी इज वेरी वेरी नाइस लेडी, बहुत अच्छी लेडी है, बाय हार्ट शी इज वेरी नाइस। तो गुरुजी क्या ढूंढते हैं, गुरुजी एक प्योर सोल ढूंढते हैं कि जो हम लोगों में शायद है ही नहीं, मेरे में तो नहीं है, बाकी मैं कह नहीं सकती कि वो एक इंसान बहुत अच्छा होता है, बहुत प्योर होता है, तो गुरुजी को पता होती है। तो गुरुजी ऐसे लोगों को खींचते हैं अपनी तरफ, तो और इसलिए गुरुजी उसको बार बार कहते हैं। और उसका ऐसा नेचर है कि वो अपने बच्चे क्या, पड़ोस के बच्चे क्या, रिलेशन में क्या, सबके लिए उसने सोचना। तो
इसलिए गुरुजी उसको बार बार बोलते थे तो मेरे को लाया कर यार। और बहुत ब्लेसिंग्स करी गुरुजी ने उसके ऊपर, बहुत ब्लेसिंग्स करी। फिर एक दिन ऐसे ही हुआ कि वो अपनी बेटी के लिए रिश्ते देख रही थी, एक रिश्ता इसको पसंद आया और सब कुछ ठीक था इसके हिसाब से, लेकिन लड़की ने इसकी वो लड़का रिजेक्ट कर दिया। तो वो लड़का लंदन से आया था, वो वापस चला गया लड़का, और ये बहुत परेशान थी कि ये हर चीज बिल्कुल ठीक है और ये पता नहीं जरा सी लुक के पीछे लड़के को क्यों छोड़ रही है। इतना इसको मैं समझा रही हूँ, जब ना मैं इतना मैं इसको समझाती हूँ, पता नहीं क्यों नहीं मान रही। चलो कोई बात नहीं, वो तो जब बच्चा नहीं मानेगा तो पेरेंट्स भी क्या कर सकते हैं। तो एक थर्सडे को ये हस्बैंड वाइफ गुरुजी के पास थे। अब गुरुजी की महिमा देखिए, गुरुजी ने इसके हस्बैंड को किसी और नाम से बुलाया और कहंदे जा आज तो तेरी किस्मत पलट गई। और वो दिन और आज का दिन है, इतनी ब्लेसिंग्स हैं, इतनी ब्लेसिंग्स हैं। और संगत जी एक थर्सडे ये गुरुजी ने इसको ऐसे बोला और नेक्स्ट थर्सडे उस लड़की की एंगेजमेंट उसी लड़के के साथ हुई जो लंदन वापस चला गया। लड़की का भी दिमाग ठीक हो गया, वो भी सब कुछ मान गई और लड़का भी लंदन से दोबारा वापस आया और एंगेजमेंट हुई और आज वो हैप्पीली मैरिड इन लंदन, दो बच्चे हैं उसके, बेटा और बेटी। तो ये गुरुजी की महिमा है, इतनी कृपा है कि मतलब मैं उसकी तो देख के हैरान होती हूँ कि गुरुजी ने कितनी कृपा करी हुई। हाँ जी संगत जी, अब एक मैं और सत्संग अपनी मेट का सुनाती हूँ। दिल्ली में मेरे पास एक मेट थी, उसका नाम रानी है। तो जैसे मतलब कि पहले तो उसको भी नहीं कुछ इतना था होता था गुरुजी का, जैसे घर में गुरुजी का स्वरूप रखा हुआ था तो वो भी नहीं ऐसे कभी पूछती थी या कुछ भी। तो जब गुरुजी ने चोला छोड़ा उसके बाद गुड़गांव में सत्संग हुआ, बड़ा सत्संग हुआ, उसकी सीडीज बटी तो हम लोग घर में लगा के सुनते रहते थे। तो वो भी जैसे काम करने आती थी तो वो भी सुनने लगी, तो उसको भी बहुत ज्यादा विश्वास होने लगा कि दीदी गुरुजी की कहानी है, गुरुजी की बातें हैं, आप मुझे समझाओ, आप मुझे बताओ। तो मैं उसको बताती थी और धीरे धीरे उसको बहुत ज्यादा गुरुजी से लगाव होने लगा। अब वो एक दिन मुझे कहने लगी कि आंटी मुझे तो गुरु जी का स्वरूप दे दो, दीदी मुझे तो गुरु जी का स्वरूप दो। अब मैं थोड़ा सा वो हो गई कि मैंने कहा रानी एक गुरु जी का स्वरूप जो है ना वो बहुत रिस्पेक्ट के साथ रखना होता है बेटे, ऐसे नहीं उसको रख सकते, मैं कैसे दे दूँ तू मुझे बता। तो उसने मुझे बहुत यकीन दिलाया कि नहीं दीदी आप ना बिल्कुल विश्वास रखो, मैं बिल्कुल एक अपने किचन में ऊपर मैंने वो पट्टा लगाया हुआ है, उसके ऊपर अच्छे से कपड़ा बिछा के अच्छे से वो करके मैं गुरु जी को करूंगी, और पर आप मुझे इनका स्वरूप दे दो, मुझे दे दो। अब देखिए गुरु महाराज जी की भी इच्छा होगी जाने की, जब उसने बहुत कहा तो मैंने उसको स्वरूप दे दिया। और मैंने कहा गुरु जी अब ये बहुत कह रही है और आप भी शायद जाना ही चाह रहे हो तो आप मैं इसको दे देती। और उस लेडी को बहुत विश्वास गुरु जी को तो बहुत विश्वास और बहुत प्यार करती गुरु जी से। अब उसके घर में भी कोई प्रॉब्लम, उसके ऑलरेडी 5 बच्चे थे और 6 टाइम वो प्रेग्नेंट हुई और उसका 4th या 5th मंथ चल रहा था। उसके घर में प्रॉब्लम हो गई कि उसके हस्बैंड की कहीं किसी के साथ किसी और लड़की के साथ टक्कर हो गया। अब ये रोज परेशान कि दीदी ये पता नहीं क्या हो गया, ये क्या हो गया। उसका हस्बैंड उस समय रिक्शा चलाता था, तो कहती आंट दीदी जो भी कमाई करता है रोज वो दे देता है, मेरा कैसे घर चलेगा, मैं तो बहुत परेशान हूँ दीदी। तो मैं भी इसको समझाती थी कि बेटा परेशानी तो आती जाती रहती है, सब ठीक हो जाएगा, गुरु जी के ऊपर विश्वास था। तो लेकिन ऐसा चलता रहा। और फिर एक टाइम ऐसा आया कि ये आके ब्रेकफास्ट करती थी, 4-5 दिन हो गए इसने ब्रेकफास्ट ही नहीं किया। मैं परेशान हो गई, मुझे आज भी याद है कि जून का महीना था,
मैंने इसको कहा, मैंने कहा रानी एक तो तू प्रेग्नेंट है और तू खाना ही नहीं खाती और टेंशन में इतनी रहती है तो क्या होगा तेरा। तो चलो 4-5 दिन निकल गए, इसने ये ब्रेकफास्ट नहीं किया, ये अपना बड़ी परेशान रही। थोड़े टाइम बाद नॉर्मल भी हो गई, ठीक ठाक हो गई। तो फिर इसने मुझे बताया, कहने लगी दीदी आप पता है ना आपको कि मैं कितनी परेशान रहती थी और आपने मुझसे कहा भी और मेरे घर में कितनी प्रॉब्लम थी, मैंने आपको बताया। कहती 4-5 दिन जून के महीने में प्रेग्नेंट लेडी ने कुछ खाना ना खाया हो तो उसकी क्या हालत होगी। कहते एक दिन रात को गुरुजी मेरे ड्रीम में आए, कहते उठ तब तो पहले खाना खा नहीं तो सवेरे अस्पताल पहुंच जाएंगी, मैं तेरा सब ठीक करता हूँ। कहते ऐसे गुरुजी ने मुझे बोला दीदी आके सपने में, और मैंने रात को 2:30 बजे उठ के खाना खाया रात को, और मेरे हस्बैंड भी सब ठीक हो गया, सारी प्रॉब्लम मेरे घर की सॉल्व हो गई, गुरुजी ने मुझे दर्शन दे दिए, नहीं तो मैं अस्पताल पहुंच जाती दीदी। तो मैंने कहा देख गुरुजी की कितनी मेहर है, कितनी कृपा है तेरे ऊपर कि तुझे दर्शन दिए, और अब ये डरे कि मैं इतने दिन ऐसे रही मेरे बच्चे को ना कुछ हो जाए। मैंने कहा कुछ नहीं होता, जब उन्होंने इतने दर्शन तुझे दे के कहा है ना तेरा सब ठीक हो जाएगा। बहुत गुरुजी ने फर्स्ट क्लास लड़का दिया, सबसे इंटेलिजेंट वो बच्चा उसके बच्चों में, ना होशियार वो बच्चा है। तो ये गुरुजी की मेहर है, गुरु महाराज सब पर कृपा करते हैं, बहुत मेहर करते हैं। सत्संग तो बहुत है अंकल, लेकिन अब टाइम हो रहा है, मैं घड़ी की तरफ देख रही हूँ, तो आज मैं यही विराम दूंगी, फिर जब गुरुजी बुलाएंगे तो मैं जरूर हाजिर हूँ। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच सत्संग कराने के लिए, थैंक यू सत्संग जी सत्संग सुनने के लिए, थैंक यू गुरुजी, थैंक यू अंकल वासन अंकल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरुजी शिवराम आंटी, जय गुरुजी। गुरु परिवार ने ब्लिसफुल डिवाइन जर्नी सुनी है आपकी। थैंक यू सो मच अंकल, धन्यवाद करें। मैं रजनी टंडन आंटी को रिक्वेस्ट करूंगा, ओवर टू यू रजनी टंडन आंटी। जय गुरुजी, जय संगत जी, जय गुरु जी। मैं थोड़ी लेट ज्वाइन करी आज, मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया, कुछ प्रॉब्लम हुई थी, और मैं इतने अच्छे अच्छे संगत सुने आंटी, आपका भी सुना है, जिस पूरा सत्संग इतना खूबसूरत इतना अच्छा। थैंक यू सो मच आंटी, थैंक यू। बारी बारी भी सुनते हैं, लेकिन पता नहीं क्या उसमें जादू है, जो भी कितनी भी बारी सुनते हैं हम, उसमें से एक नई चीज निकल के आती है। आपकी मेड सर्वेंट का गुरुजी ने कैसे ब्लेस किया, ये सच में बहुत ही खूबसूरत सच में है। सच में आंटी बहुत खूबसूरत सत्संग, गुरुजी कैसे मेल करते हैं। बिल्कुल, और जो आपने उस लड़के का बताया कि उसकी किडनी की तकलीफ थी, कैसे? हाँ जी, किडनी की प्रॉब्लम गुरुजी ठीक करी। सुरेश अंकल को मालूम है, सुरेश अंकल आपको याद होगा कि जो एक सत्संग अभी मेरे घर हुआ था, उसमें मैंने अपनी एक फ्रेंड का बताया था जिसको कैंसर था, जिसको जो लीलावती हॉस्पिटल बॉम्बे वाली जी, और आपको पता है बिल्कुल यही हो गया। वो उनके हस्बैंड को मैंने फोन किया अगले दिन, तो वो हॉस्पिटल में ही थे, उन्होंने मुझे कहा कि इतना अच्छा कुछ निकला नहीं, डॉक्टर बाहर आए आधा ऑपरेशन थिएटर से और कहा कि भाई ऐसा है कि जितने महीनों से तुम्हारी वाइफ का मैं कैंसर ट्रीट कर रहा हूँ, इतने स्कैन्स हुए हैं, इतना कुछ है, और जो आज हमने उसके ऑपरेशन में की होल सर्जरी से जो देखा है वो तो कुछ और ही था, वहां तो कुछ था ही नहीं। तो जय गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और अब वो मुझे उसने प्रॉमिस किया था कि जब मैं ठीक हो जाऊंगी मैं दिल्ली आऊंगी, मैं खुद चल के गुरुजी के मंदिर जाऊंगी। तो शुक्राना 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 अनंतम शुक्राना गुरुजी, शुक्राना सुरेश अंकल, आप इतना अच्छा सत्संग करते हो, हमें बहुत अच्छा लगता है, हमसे जो सेवा हो हमसे लेते रहना अंकल। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज दा अनंतम अनंतम। I'll be requesting Snigdha aunty for taking Agya from Guruji Maharaj. Uncle, आप मुझसे कह रहे हैं? Hello. Nantam, Nantam, Shukrana.
आज्ञा माले, आज्ञा संगत जी, संगत जी यू कैन टेक महाराजेस ली। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, गुरु जी जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना गुरु जी, ब्लेस।